संसार गिरी और मैं हूँ पंकज। दोस्तों हमारे कई दर्शक हमसे ये पूछते हैं अमरंथ या मुर्गा फूल का बीज कहाँ होता है और उसे कैसे इकट्ठा करते हैं। आज की वीडियो इसी के विषय के ऊपर है कि अमरंथ के बीज कहाँ होते हैं और उसे इकट्ठा कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। इससे मुझे यकीन है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, दोस्ती आदि से स्टार्ट कर दें और हाँ बेल आइकन जरूर दबाएं। ये खूबसूरत फूल कॉक्सकॉम के हैं, जिन्हें आम भाषा में हम मुर्गा फूल या मखमली भी कहते हैं। इनके फूल वेलवेट के समान काफी मुलायम चिकने से होते हैं, रंग उतना ही आकर्षक और चमकदार होता है। आमतौर से मुर्गा फूल या कॉक्सकॉम कई खूबसूरत रंगों में मिलते हैं, जैसे लाल, मरून, पीला। कॉक्सकॉम अमरंथ फैमिली का शाककुलीय पौधा है, यानी कि इसके पत्ते एडिबल होते हैं। हालांकि ये ऑर्नामेंटल है और हम इसे खाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं, पर इतना तय है कि इनसे किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। आप वीडियो को पूरा देखें, आपको यकीन नहीं होगा कि बीज इकट्ठा करना इतना आसान था। बीज आपके आंखों के सामने थे लेकिन आपको पता ही नहीं चलता था। आप हर बार ये संभव नहीं है कि आप बाजार से बीज खरीद कर लाएं या नर्सरी से पौधा खरीद कर लाएं। आपके घर में ही पौधे हैं, उन्हीं से आप आसानी से बीज इकट्ठा कर सकते हैं। अगली बार आप इन्हीं बीज से नए पौधा उगाइए या अपने दोस्तों के भी बांटिए, क्या पता आपको इनसे नए दोस्त बन जाएंगे। कॉक्सकॉम या अमरंथ में कभी भी सिंगल फ्लावर नहीं आता है। इनमें जब भी फ्लावरिंग होती है वो फ्लावर का गुच्छा होता है। बहुत सारे फ्लावर एक जगह इकट्ठे होकर आते हैं, इसीलिए इनके फूल काफी बड़े आकार के नजर आते हैं। आप इन्हें अगर पास से गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि काफी सारे छोटे छोटे फ्लावर्स इकट्ठे हैं। निचले हिस्से से जैसे जैसे फ्लावर्स मैच्योर होते जाते हैं, इनका रंग थोड़ा सा सफेद होता जाता है। ये सफेदी इनके मैच्योर होने की निशानी है। कोई भी फूल जब मैच्योर हो जाता है और आप उसे नहीं तोड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसमें बीजों के बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस कॉक्सकॉम फ्लावर के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। पत्तों के किनारों का सूखना भी शुरू हो गया है। पौधा फुल्ली मैच्योर हो गया है और अब ये लाइफ के एंड की तरफ जा रहा है। आप अगर इनके सीड नहीं भी प्रिजर्व करेंगे तो ये झड़ जाएंगे, नीचे खुद ही गिर जाएंगे और पौधे की लाइफ खत्म हो जाएगी। बेहतर है आप नए पौधों के लिए इनके खूबसूरत फूलों से ही सीड निकाल कर रख लें, ताकि अगली बारी आप उनका इस्तेमाल नए पौधों को उगाने के लिए कर सकें। चलिए बताते हैं बीज कैसे इकट्ठा करना है, वो भी बिना फूलों को किसी तरह का नुकसान पहुंचाए। जब फूलों का रंग कुछ ऐसा हो जाए तो समझ लीजिए कि फूल के सीड पूरी तरह से रिपन होंगे, मैच्योर होंगे, उन्हें इकट्ठा किया जा सके। ऐसे इकट्ठे किए गए सीड काफी हेल्दी होते हैं और इनसे पौधे उगाना बहुत ही आसान होता है। साथ ही इन बीजों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। हम इन्हें हल्के हाथों से पकड़ेंगे और उनको उंगलियों से थोड़ा सा रब करेंगे। छोटे छोटे कई सारे बीज या दाने हमारी हथेली पर आ जाएंगे। ये देखिए हमने क्या इकट्ठा किया है। ये सीड्स हैं और सीड्स के साथ सीड्स कवर भी हैं, जो हस्क की भांति या भूसे की जैसे नजर आते हैं। इन्हें छाया में सुखा देना है, हल्के हाथों से रगड़ेंगे तो ये फूंक मारने से ये कवर हट जाएंगे और जो आपके पास लास्ट में बचेगा वो काफी छोटे काले चमकदार से सीड होंगे जो ऐसे नजर आएंगे। देखिए हमने कितने सारे खूबसूरत सीड इकट्ठे किए हैं। सीड को जब भी आपको फर्दर यूज के लिए स्टोर करना है तो ध्यान रखें उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। 3 से 4 दिन छाया में सुखाना जरूरी है। अच्छी तरह से सूख जाए तो कागज के रैपर में रैप करें और फिर उसे एयरटाइट डब्बे में बंद करके ही रखें। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो पौधे से बीज इकट्ठा करने का? इसी तरह वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगली वीडियो में मैं आपको इन्हीं वीडियो से पौधा उगाना सिखाऊंगा। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हाँ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।